कर लेते हैं। पुणे से हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर विश्वास, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मेरे पास माइंडट्री की शेयर्स है और जो 470 की खरीदी है, 17 शेयर है, लॉन्ग टर्म व्यू है। तो हम सोचते थे कि ये अब तो ये तो सवाल मेरा एक्सटेंडेड और भी बाकी टेक्नोलॉजी शेयर्स पे है, तो इसमें जिस तरह से मेरे 12-20% तक जो निगेटिव गए हैं शेयर, तो आपका एडवाइस उस पर चाहिए। ठीक है, माइंडट्री आस्था 4472 की इनकी बाइंग है, 500-600 रुपए नीचे इनके खरीदारी के भाव से, थोड़े चिंतित है इसी वजह से। संक्षेप में क्या जवाब रहेगा आपका माइंडट्री के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना है और एक स्टॉप लॉस लगाना है 3350 का। ठीक है, तो 3350 का स्टॉप लॉस लगाइए, लॉन्ग टर्म व्यू के साथ रखिए। IRFC पर भी क्वेश्चन आ रहा है हमें गौरव शर्मा का, और इसके अलावा एक दीपक जायसवाल भी एक स्टॉक जानना चाह रहे हैं। इन दोनों के सवाल लेंगे, कुछ और क्वेरीज लेंगे फेसबुक से, जल्द वापस आ रहे हैं। छोटे से सीएनबीसी आवाज और ब्रिक्स का स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कल का बाजार, क्विकली पढ़ते हैं क्वेश्चन को शामिल, और एक कॉलर है जवाहर, उनसे बातचीत कर लेते हैं और उसके बाद फेसबुक से लेते हैं सवाल। जवाहर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, बताइए जवाहर, क्या कौन सा स्टॉक आपने खरीदा हुआ है, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे पास टाटा इलेक्ट्रिक शेयर्स है 175 और 200 रुपए पे के आसपास खरीदे थे, और लॉन्ग टर्म पे। ठीक है, टाटा एलेक्सी आपकी पुरानी खरीद होगी फिर जवाहर, जो बाइंग प्राइस है आपका उस हिसाब से तो पुरानी है, 20-22 साल हो गए। आस्था बता दीजिए, अब इनको अब 200 रुपए का स्टॉक 7000 पे ट्रेड हो रहा है, प्रॉफिट्स ले लें रखें स्टॉक को? बिल्कुल, टाटा एलेक्सी को लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी रखना है, नतीजे बेहद शानदार थे और आगे भी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ फंडामेंटली भी। टेक्निकली बात करें तो क्योंकि अभी सभी मार्केट वीक है तो उसी हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट आएगी, पर मेरे हिसाब से घबराने की कोई बात नहीं, 6300 से लेके 1700 के बीच में घूमता रहेगा ये, चाहे तो 6200 का एक स्टॉप लॉस लगा ले अपनी पोजिशन को, उसके नीचे बंद होता है तो पोजिशन को रिव्यू करें, नहीं तो बिल्कुल छोड़ दें, 8000 तक के भी लेवल हमें गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिलेंगे, रखना है लॉन्ग टर्म के। अब फटाफट से सवाल लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब लेंगे आस्था से। गौरव शर्मा का सवाल है, IRFC खरीदारी का प्राइस है 24 रुपए, टेक्निकल व्यू चाहिए इनको आस्था। जी बिल्कुल, IRFC की यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी इनको यहाँ पे होल्ड ही करना है, तो अभी तो अपनी पोजीशन में यहाँ पे ये बने रहे और एक स्टॉप लॉस जरूर लगा ले पोजीशन का, यहाँ से तकरीबन 2% नीचे का, और होल्ड करने की सलाह रहेगी IRFC को। कल्पेश सोलंकी का सवाल है रेमंड्स पर, 600 शेयर्स 657 का खरीदारी का प्राइस, 3 मंथ्स का व्यू। रेमंड्स की बात करें 657 का इनका खरीदारी का व्यू है, प्रॉफिट में है, अपनी पोजीशन को अभी तो यहाँ पे बनाए रखें, 705 का एक स्टॉप लॉस लगा ले, अगर ट्रिगर भी हुआ तो प्रॉफिट में निकलेंगे, लेकिन आगे जाते हुए यहाँ पे 800 से लेके 850 के भी लेवल लॉन्ग टर्म में। पीयूष मालवीय का सवाल है BSE पर, 200 शेयर्स 2051 पर, फेसबुक के जरिए मिला है। वापस से एक बार इनकी कॉस्ट प्राइस मैं जानना चाहूंगी दीपाली, कितने पे इन्होंने लिया है? 2000 के ऊपर की खरीदारी है BSE में। जी बिल्कुल, BSE में अभी तो इनको यहाँ पे होल्ड ही करना है, 2000 के ऊपर की खरीदारी है, बट स्टिल मेरे हिसाब से अभी भी यहाँ पे पोजीशंस को कंटिन्यू किया जा सकता है, आगे जाते हुए जो लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे वो तकरीबन यहाँ पे रहेंगे 2071 से लेके 2240 के। बहुत संक्षेप में आस्था, एक और सवाल पर आपकी राय चाहिए। पेटीएम पर यह सवाल है, 1180 का बाइंग है, 6 मंथ्स का व्यू। जी बिल्कुल, पेटीएम की बात करें तो 6 मंथ्स का व्यू है, तो अभी तो यहाँ पे बने रहे और एक स्टॉप लॉस फिर भी मैं यहाँ पे देना चाहूंगी पेटीएम में, क्योंकि इन्होंने बाइंग का लेवल 1180 का बोला है, स्टॉक तो अभी काफी नीचे चल रहा है, मेरे हिसाब से अभी तो इनको यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा पेटीएम को, और जो स्टॉप लॉस इसमें रखेंगे वो तकरीबन रहेगा 880 के आसपास का, तो 880 के स्टॉप लॉस से अभी तो पोजीशंस को कैरी करें, ऊपर में पहले जो टारगेट्स रहेंगे वो तकरीबन यहाँ पे 1000 के। ठीक है,
तो ये सजेशन है आपके लिए पेटीएम पर। हालांकि ये स्टॉक ने भी काफी डिसअपॉइंट किया है लिस्टिंग के बाद से अपने इन्वेस्टर्स को। शो को समेटने का वक्त है, माफी चाहेंगे उन व्यूअर्स से जिनके क्वेश्चंस हम नहीं ले पाए, लेकिन कोशिश रहेगी कल वापस कल का बाजार में ज्यादा से ज्यादा सवालों को लेने की। आस्था, कोई क्लोजिंग कॉमेंट आपकी ओर से? आज जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारे पीएमएस की होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया आस्था।